हम बनाने जा रहे हैं होममेड चॉकलेट। चॉकलेट सभी की पसंद होती है, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। चॉकलेट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए है कंपाउंड चॉकलेट। कंपाउंड चॉकलेट आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से और कम कीमत में मिल जाता है। तो चॉकलेट बनाने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता है यह हम देख लेते हैं। इसके लिए मैंने ये 50 ग्राम बादाम लिए हैं, 50 ग्राम काजू लिए हैं, बारीक कटा बादाम, बारीक कटा काजू, बारीक कटे हुए किशमिश और थोड़ा सा खसखस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंपाउंड चॉकलेट है उसको हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। अब मैंने गैस पर एक तवेली में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी बॉईल होता है हम इस पर अपना जो कंपाउंड चॉकलेट है उसको मेल्ट होने के लिए रख देंगे। दूसरी ओर एक कढ़ाई में जो हमने बादाम लिए हैं उसको हम हल्का हल्का 1 से 2 मिनट रोस्ट करेंगे ताकि हमारे जो बादाम है वो क्रंची हो जाए। बादाम रोस्ट हो चुके हैं, एक बाउल में हम इसको निकाल देंगे। इसी तरह से जो काजू हमने लिए हैं उसको भी 1 से 2 मिनट के लिए हम रोस्ट करेंगे। काजू रोस्ट हो चुके हैं, इसको भी एक बाउल में निकाल देते हैं। अब हमारा जो कंपाउंड चॉकलेट है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। अब हम धीरे धीरे इसके सारे लम्प्स मिटाते हैं। देखिए सारे लम्प्स मिट चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हमने जो बादाम रोस्ट किए थे ये चॉकलेट के अंदर डिप करेंगे। एक एक करके हम डिप करेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। ऐसे ही काजू और बादाम दोनों को हमें डिप करके प्लेट में रखते जाना है। आप चाहे तो इन चॉकलेट के ऊपर से थोड़ा थोड़ा खसखस डालकर डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने थोड़े से खसखस वाले भी चॉकलेट बनाकर तैयार किए हैं। देखिए अब हम इसको फ्रीजर में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। अब हम बनाते हैं दूसरी तरह की चॉकलेट। उसी चॉकलेट बाउल में हमने ये सारे बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट डाल लिए हैं और थोड़ा सा और चॉकलेट इसमें मिला लिया है। अब मैंने ये मोल्ड ले लिया है, इसको सबसे पहले हम ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे। अब हमने जो चॉकलेट तैयार किया है ड्राई फ्रूट चॉकलेट वो इसके अंदर एक एक करके हम भर देते हैं। सारे ही चॉकलेट हम ऐसे ही भरकर तैयार करेंगे। देखिए भरकर तैयार हो चुके हैं। अब थोड़ा सा इसको प्रेस कर देते हैं। अब मैंने यहाँ दूसरा मोल्ड लिया है, इसमें भी हम ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा खसखस ताकि ये डेकोरेशन में अच्छे दिखे। अब हम बनाएंगे सादे फ्लेवर में चॉकलेट। एक बाउल में मैंने चॉकलेट ले लिया है और एक एक करके हम इन सारे मोल्ड के अंदर चॉकलेट डालेंगे। दोनों ही मोल्ड तैयार है। अब हम इसको आधा घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। ये पहले वाले चॉकलेट हमारे तैयार हो चुके हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और क्रंची चॉकलेट बनकर तैयार है। देखिए अब हमारे मोल्ड वाले चॉकलेट भी बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने सुंदर आकार में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी चॉकलेट हमने बनाकर तैयार किए हैं। अब दूसरे मोल्ड का भी चॉकलेट हम निकाल कर तैयार कर लेते हैं। देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर आकर्षक चॉकलेट हम जब चाहे तब बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी हमारे घर पर त्योहार हो या फिर हमें किसी को गिफ्ट देनी हो तो हम यह चॉकलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसको कमेंट्स दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। धन्यवाद।